अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने तीसरे सबक की मश्क के पहला और दूसरा सवाल हल किए थे। आइए हम चलते हैं मज़ीद सवालात की जानिब। ओपन योर बुक पेज नंबर 20, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 20 खोलिए। जी, होमवर्क में मैंने आपको पहला और दूसरा सवाल याद करने के लिए दिए थे। आइए अब चलते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, कुरान मजीद की हिफाज़त कौन करता है। इसका जवाब है, कुरान मजीद की हिफाज़त अल्लाह ताला करता है। सवाल नंबर 4 है, कुरान मजीद कितने साल में नाजिल हुआ और इसमें कितने सिपारे हैं। इसका जवाब है, कुरान मजीद 23 साल में नाजिल हुआ और इसमें 30 सिपारे हैं। हमारा अगला सवाल है, खाली जगहें पुर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ साथ ये ब्लैंक्स फिल कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं, आसमानी किताबों में अल्लाह ताला ने डैश के लिए नेकी और हिदायत का पैगाम भेजा। किसके लिए? इंसानों के लिए। मेरे साथ साथ लिखिएगा, इंसानों के लिए नेकी और हिदायत का पैगाम भेजा। ओके, दूसरी स्टेटमेंट है, आसमानी किताबें डैश के ज़रिए नाजिल की गईं। आसमानी किताबें डैश के ज़रिए नाजिल की गईं। दूसरी ब्लैंक में आएगा वही। नंबर 3 इज़, कुरान मजीद डैश पर नाजिल किया गया। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल किया गया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे साथ साथ लिखिएगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नंबर 4 इज़, कुरान मजीद डैश आसमानी किताब है। कुरान मजीद डैश आसमानी किताब है। इस ब्लैंक में आएगा आखिरी, क्योंकि कुरान मजीद के बाद कोई और आसमानी किताब नाजिल नहीं होगी। नंबर 4 देखिए डियर स्टूडेंट्स, नंबर 4 में हमारे पास 3 ब्लैंक्स दी हुई हैं, गौर से सुनिएगा। डैश में अल्लाह ताला ने तमाम डैश के लिए डैश पर चलने के असूल बताए हैं। डैश में अल्लाह ताला ने तमाम डैश के लिए डैश पर चलने के असूल बताए हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा कुरान मजीद। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए, इंसानों के लिए डैश पर चलने के असूल बताए हैं, सीधे रास्ते पर। डियर स्टूडेंट्स, क्या आएगा इसमें? सीधे रास्ते पर। सीधे रास्ते पर चलने के असूल बताए हैं। द लास्ट वन इज़, ये पाक कलाम डैश ज़ुबान में है। इस ब्लैंक में आएगा अरबी। ये पाक कलाम अरबी ज़ुबान में है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे साथ ये ब्लैंक्स फिल की होंगी। योर होमवर्क इज़ टू मेमोराइज़ द क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। Take care, Allah Hafiz.